जो पूरे देश को बर्बाद करने के कगार पे है, और वो आने वाले समय में अगर शक्तिशाली रूप में और बढ़ा तो वो क्या भयानक रूप लेगा, उसका कोई सीमा नहीं बचने वाला। मैं डॉक्टर मीरा हूँ, हरिद्वार से। बाबा रामदेव के विषय में पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था और आज भी उसी विषय में कह रही हूँ। मैंने इनके यहाँ ज्वाइन किया था, मैं खुद ही संत बनना चाहती थी। धर्म के मार्ग पे शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठित परंपरा रही उसको आगे बढ़ाकर अपने देश को विश्व में नाम देना चाहती थी, लेकिन जो दर्द देखा, जो संत के नाम पे भयानक स्थिति देखा, जो पशुता देखी, उसका मैं कोई भी शब्द में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती। दुर्दांत अपराधियों ने, निश्चय ही दुर्दांत अपराधियों ने धर्म का चोला पहनकर, साधु का चोला पहनकर आज पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनका नियत एन केन प्रकेन, हड्डी तोड़ के, खून निकाल के, खाल उतार के, कुछ भी करके देश के एक एक आदमी से धन का शोषण करना है। और उसके लिए पाखंड सर्वोपरि आइटम है, जिसके पास में वो फंसेंगे फंसेंगे, यानी आम जनता। वो स्वदेशी का ठगी करते हैं, खुद वुडलैंड के जूते पहनते हैं। कहने मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरे हैं, जब आदमी के करनी कथनी में अंतर होना तो उसके दुराग्रह स्वतः प्रकट होते हैं। और जो व्यक्ति दुराग्रही हो वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी कोई पारा सीमा नहीं है। मैं सारे सबूतों के साथ प्रमाणित करने के लिए व्याकुल घूमती रही कि इन्होंने गुरु की हत्या किया है, इन्होंने राजीव दीक्षित जी की हत्या किया है। मैंने देश के प्रधानमंत्री को 44 पन्नों का लेटर लिखा, उनकी रिसीविंग मेरे पास है। देश के कई सारे मीडिया चैनल को मैंने वाइट दिया, वो वाइट को उन लोगों ने उनको बेचा, बाबा रामदेव ने उसको खरीदा, देखा और आपस में शेयरिंग होगी। उन लोगों से जो मेरी बात है उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली है और वो भी सबूत मेरे पास है कि मीडिया कैसे बिकी, कैसे ब्लैकमेलिंग करा, कैसे मतलब इस सब कुछ मेरे ऊपर बाबा की 24 घंटे नजर है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बाबा पे 3 कोर्ट केस किए, 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, एक का पता नहीं चल रहा है। मेरे को केस को दबा दिया गया, तब मैंने यहाँ के मंत्री को जिसने दबाया था उसको सरेआम उत्पीड़ित किया, जीना हराम कर दिया उसका, और उसके बाद मैंने RTI लगाया, तब जाके वो केस कोर्ट में गया है। यानी ताकत बाहुबल का इतना आतंक, सरेआम सबूत है, सरेआम प्रमाण है, लेकिन सब भाग रहे हैं। यहाँ का SP, DSP, कौन कौन सब लोग भाग रहे हैं। मैंने यहाँ के पूरे देश के 40 लोगों को, प्रमुख लोगों को, मुख्यमंत्री ये वो, हर व्यक्ति को बाबा रामदेव के फ्रॉड और कारनामे का लेटर लिखा। महिला आयोग की तरफ से 2 जांच, वहां से इनको इंक्वायरी के लिए परमिशन मिला। वो जांच के लिए रोज भटकना पड़ रहा है। मैंने यहाँ भी 44 पन्नों का पुलिस को 30 अगस्त को फाइनली दे दिया था, 2017 में। तो आप भी तक कुछ नहीं, SSP से पूछती हूँ, वो भाग खड़ा, वो भाग खड़ा। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव की हत्या, देश में जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसमें घोर मिलावट, देश के लोगों को गुमराह करके नकली शहद, नकली घी, नकली दवाई। और मैं इनके प्रोडक्शन यूनिट में रही हूँ, मैंने देखा है 20 रुपए की दवाई 200 रुपए में बेची जाती। आपको याद होगा 90 रुपए का मेधा भट्टी अगले ही टन में 160 रुपए का हो जाता, ये कौन सी महंगाई हुई। चलिए दूसरी बात सुनिए, घी कंप्लीट नकली। मुझे मौका दीजिए, मैं तो उसी यूनिट की, मैं कोई विदेशी कंपनी की जासूस जो ये वो करके जैसे बाबा ड्रामा रच के भाग निकलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस छोटे से अवस्था में, बाल अवस्था में, जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैंने तो बाबा की दुनिया देखी, आज भी उस दुनिया से आगे नहीं हूं। तो इसलिए और कोई इंक्वायरी करनी हो तो भगवान के लिए करो तो सही, मेरी इंक्वायरी सत्य इतनी भयानक रूप में सामने आएगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रही बात, बाबा कहता है कि मैं सिला कपड़ा नहीं पहनता, ये नहीं करता। जब झांसी की रानी को मुसीबत आई तो वो मर्दानी बन के निकली, और 4 जून को 2011 बाबा जनानी बन के निकला। अरे जब शब्द और व्यक्तित्व का विपरीत अंतर हो तो कारनामे, ये तो वो छोटा सा मिसाल है। बाबा हनीप्रीत, न जाने कितने हनीप्रीत।
कितने ही कि स्वामी है। और विवाह न करना, ये न करना एक स्वच्छंद जीवन जीने का मर्म है और कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ एक बहुत ही कलुषित स्त्री रहती है, राधिका नागराथ। मैंने उसकी पूरी फाइल बना रखी है, जिसको चाहिए आके देखे, पूरी वीडियो बना रखी है। उसको ये देवी का दर्जा देता है और देश विदेश वो महिला इनके दम पे घूमती है। बहुत बड़ी अपने आप को अखबार वाली साबित करती है, जबकि उसकी क्या प्रमाणिकता है, एक बार उसको सामने ला के देख। चलिए वो भी छोड़े, वो ना जाने कितने किताबों के राइटर है, सारा का ऑर्गेनाइजर पतंजलि करके देता। वो इनके यहाँ की प्रमुख है, अंशु पारुल, जिसको दिन में वो राखियां बंधवाते हैं। और ना जाने, बस मैं भारत सरकार से चाहती हूँ अंशु पारुल या प्रियता जो साई पैकेजिंग की है, इन सब की जरा जांच करें। इतना भयानक साम्राज्य है, इतना गुंडागर्दी का तत्व है कि आप दहल जाएंगे। अगर वही व्यक्ति, ऐसा नीच और घृणित व्यक्ति आपको मार्गदर्शक बन जाए, आपको गाइडलाइन करने वाला बन जाए, तो वो आपको किस हद तक गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। आपको रामायण के प्रसंग में याद है, काल नेमी नाम का राक्षस जो कि हनुमान जी को गुमराह करके उनको लक्ष्मण को लिए संजीवनी लाने के लिए जब वो जा रहे थे रोकने के लिए, प्रपंच रचा, साधु बना और वो बोला कि आप राम जी के नाम पे जा रहे हो और मेरा कहा मानो। अगर वो हनुमान जी ने उस समय उस दुर्दांत राक्षस का कहना मान लेते तो क्या होता। जी हाँ, आप ऐसे ही किसी दुर्दांत राक्षस का कहना मान रहे हैं, जो कि आपके एक एक नस से खून चूस के खुद को अधिक से अधिक अमीर बनाने में लगा। आपको याद है ये मोदी भक्ति क्या है? गुरुदेव की हत्या का पूरा प्रमाण मेरे पास है और इनका मैंने 2000 जिस दिन से 2007 से जाना कि इन्होंने गुरु की हत्या की, सबूत इकट्ठा कर मैं हर उपाय करती रही कि ये दुनिया देश समाज के लिए सामने आनी चाहिए, इसके इसका असली चरित्र सामने आना चाहिए। नहीं तो दुनिया जब तक लूट जाएगी फिर क्या बचेगा? फिर किसी के कहने से, किसी के हंगामा करने से, किसी के एक्शन लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। समय रहते अगर बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। मैंने 2007 से ही हंगामा किया। इन्होंने मेरा किस प्रकार से उत्पीड़न, मानसिक टॉर्चर किया, प्लीज मेरे कैरियर रिकॉर्ड को एक बार जांच करके देखिए। दुनिया की कोई लड़की नहीं होगी जो उसने इस हद तक टॉर्चर सहा होगा, लेकिन एक धर्म की रक्षा के लिए मैंने सब कुछ सहा और हर उपाय किया कि देश के लोगों के आगे सच सच सामने आए। हर सरकार से, हर व्यक्ति से संपर्क किया, लेकिन मानना पड़ेगा कि देश सबसे भ्रष्ट करप्शन का शिकार हो चुका है। यहाँ पे सत्य सिर्फ जनता ही सामने ला सकती है, सोशल मीडिया से ही। नहीं तो बाबा हर चैनल को लगभग करोड़ों रुपए महीने दिए जाते हैं। क्यों भाई? माई गुलाम प्रसून वाजपेयी को कहा जाए तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम उसे ये सवाल पूछो ये मत पूछो, भर द मीन ऑफ इट क्या है ये सब बाबा का षड्यंत्र। मैगी की बात करूंगी, मैगी वो प्रोडक्ट है जिसको आर्मी खाती है। आई डोंट से एनीथिंग इन दिस पॉइंट कि विदेशी है देसी है, अरे आपके परमिशन से आई है, देश में के लोगों को रोजगार देती है, देश के पैरामीटर पे काम करती, तो व्हाट द मीन ऑफ इट विदेशी। अच्छा वो भी छोड़िए, मैगी आर्मी खाती है, अच्छा आर्मी के हुई कैंटीन में आपका प्रोडक्ट बंद है, विदेशी चीजों को आर्मी अलाउ कर रही है, वो गद्दारी हमारी आर्मी के साथ नहीं कर रही मिस्टर रामदेव, आप कर रहे हैं, शर्म आती है बाबा हो। आप कहते हो मेरे